हे गाइस, स्वागत है मेरे चैनल इंट्राडे गाइड शिवांश भसीन पे। सो गाइस, हमने देखा कि आज मार्केट में इतनी बहुत तेजी से जो गिरावट आई है, 11,000 के लेवल को तोड़ के 10,900 के लेवल को भी तोड़ दिया था मार्केट ने। ये जो फ्री फॉल की हमने जो एक गिरावट देखी है, ये देख रहे हैं हम कि जो बड़े बड़े जो हम देख रहे हैं मार्केट में इन्वेस्टर्स हैं, वो अपनी जो पोजिशंस हैं उससे एग्जिट कर रहे हैं। गाइस, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप ये मत सोचिए कि बॉटम बन चुका है। अभी यहाँ से हम देख सकते हैं कि थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आएगी, मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, पर आपको अब यही काम करना है कि सेल ऑन राइज करना है। आपको जब भी मार्केट ऊपर देखे आप शॉर्ट करिए, नीचे आपको डिप्स में बाय अप करने की ज़रूरत नहीं है, तभी आप पैसा कमा पाएंगे मार्केट में। अल्टीमेट टारगेट जो अभी तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट के अंदर, वो 10,800 का है। मुझे लगता है कि 10,800 आराम से आ सकता है, तो वहाँ पर आप 10,800 के लिए वेट कर सकते हैं। 11,100, 11,200 तो अगर आपको अगर मिलता है तो शॉर्ट करिए। 10,800 के लिए बैठी हो, मुझे लगता है कि 10,800 का लेवल टेस्ट ज़रूर करेगा। गाइस, कल एक्सपायरी थी, सॉरी गाइस, कल वेडनेसडे को मैंने यूट्यूब पे वीडियो इसलिए अपलोड नहीं करी क्योंकि मैंने आपको पिछले दिन वीडियो अपलोड करी थी और मैंने आपको चार्ट्स एक्सप्लेन करे थे निफ्टी बैंक निफ्टी के, और मैंने उसमें आपको बताया था कि गाइस यहाँ से हम देख सकते हैं कि एक मूवमेंट आ सकती है, और यहाँ से ये जो लेवल है जो मैंने आपको चार्ट में बताया था कि इस लेवल से बैंक निफ्टी 500 पॉइंट गिर सकता है और निफ्टी 100 पॉइंट गिर सकता है। पर गाइस, मैंने आपको उसके बाद ये भी बताया था कि अगर निफ्टी उसके नीचे जाता है तो अल्टीमेट टारगेट 10,800 है, और बैंक निफ्टी अभी तो अपने उस लेवल के पास पहुँचा नहीं है, उसे भी हम चेक कर लेंगे। पर गाइस, ये जो गिरावट है, ये गिरावट आपको ऊपर के लेवल पे बेचनी ही बेचनी है, तभी आप पैसा कमा पाएंगे। उस दिन मैंने कल वीडियो इसलिए नहीं बनाई गाइस क्योंकि मुझे नहीं पता था कि यहाँ से मार्केट अभी किस डायरेक्शन में जाएगी कल के ट्रेडिंग सेशन में, तो मैंने सोचा कि मैं वेट करूँ। पर जिस तरीके से मैंने आज देखा कि मार्केट किस तरीके से गई है, किस तरीके से काम करा मार्केट ने, तो मुझे लगता है कि एक परफेक्ट टाइम है कि सेल ऑन राइज करने के लिए, और जब भी मार्केट ऊपर मिले तो शॉर्ट करिए गाइस। दूसरी बात, जब मैंने वीडियो बनाई थी मैंने आपको कहा था कि जो जो मैं आपको स्टॉक्स देता हूँ उन्हें आप 1 या 2 दिन के पर्पज से होल्ड करके रखेंगे तो बहुत पैसा कमा पाएंगे। SBI मैंने 330 पे बेचने की सलाह दी थी और 319 का टारगेट दिया था गाइस, वीडियो आप जाके देख सकते हैं, टारगेट अचीव हो गया था। मैंने उसी टाइम आपको SBI में भी ये भी कहा था कि आप 1 या 2 दिन के लिए होल्ड कर सकते हैं, SBI एक ही दिन में इतना नहीं गिरेगा। MGL 780 पे बोला था कि 800 का लेवल है, बाय कर लीजिए, और ये बात भी बोली थी कि ये इस मंथ के अंदर 840 से 850 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट करा सकता है, और इंट्राडे पे इसने 810 का लेवल हाई मारा है। तो गाइज, आप देख सकते हैं मैं किस लेवल से आपको बोल रहा हूँ, किस तरीके से हम देखते हैं कि मेरे जो टारगेट्स हैं वो 30-30 पॉइंट 2 या 3 दिन के अंदर आपको टारगेट अचीव करवा जाते हैं। उसी तरीके से जस डायल, वेदांता, टाटा टाइटन का तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, और ये सारी चीज़ें जो मैं आपको यूट्यूब पे बताता हूँ उसका अच्छे से आपको मार्केट के अंदर, लाइव मार्केट के अंदर मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो जाके मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए तुरंत, मेरा जो डिस्क्रिप्शन है उस पर लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, @TradeDealers करके है, जाके आप सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं, और मैं कमेंट सेक्शन पे भी वो डाल दूंगा लिंक, जाके ज्वाइन हुई है, तभी आप लाइव मार्केट पे अगर आपको कोई डाउट होता है इन पर्टिकुलर स्टॉक्स पे तो उसकी क्वेरी मैं देते रहता हूँ, आप जाके फ़ायदा उठा सकते हैं। सो गाइस, कौन से स्टॉक्स हैं जिनकी तरफ हम बढ़ते हैं? अमराजा बैटरी बाय करने की सलाह दी जाएगी, 671 676 तक के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। गाइस, मैं आपको अपनी हर वीडियो, मैंने अभी तक जितनी वीडियोस बनाई है मैंने आपको हर वीडियो में बता दिया कि मेरे दो शेयर तो फेवरेट है ही यही जिसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई है, अमराजा बैटरी, MGL, ये दो शेयर हैं जो इस एक्सपायरी के अंदर, अगस्त एक्सपायरी के अंदर आपको बहुत पैसा कमा के दे सकते हैं। मैं आपको बहुत कम कम है, आपको 630 के लेवल से मैं आपको अमराजा बैटरी बोल रहा हूँ कि बाय करिए। सबसे पहला टारगेट होगा 660 का टारगेट, और उसको तोड़ दिया तो 680 740 का टारगेट। गाइज, आप देख सकते हैं कि 680 तक भी ये जा चुका है, थोड़ा बहुत डिप दे रहा है, करेक्शन दे रहा है, तो ये बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी है। ये डिप में अगर आपको मिलता है 650 के आसपास, बाय करिए जितनी क्वांटिटी बाय कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि इस अच्छे खासे लेवल के साथ आपको पैसा कमा के दे सकता। अजंता फार्मा हमने देखा था कि अजंता फार्मा में आज अच्छी खासी हमने एक बाइंग देखी है, कल भी एक बाय अपॉर्चुनिटी बनता है, और मुझे लगता है कि 1040 1060 तक के लेवल तक ये जा सकता है, क्योंकि जिस लेवल से इसने आज अपनी रिकवरी दी है वो लेवल एक हम देख रहे हैं कि एक चैनल पे ट्रेड कर रहा था, उस चैनल का सपोर्ट था, वहाँ से इसने एक रिकवरी दी है। सो गाइस, कल अगर आपको ये डिप में मिलता है 900
9:45 9:48 के आसपास मिलता है, इंट्राडे पे बाय करिए। एंड ऑफ द डे मुझे लगता है कि ये 6970 तक के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अजंता फार्मा, और ये शायद हायर लेवल्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एनबीसीसी बाय करने की सलाह दी जाएगी, बहुत ज़्यादा गिर चुका है, 41-40 तक के लेवल्स तक ये जा चुका है, अभी थोड़ी एक मोमेंटम दे रहा है तो मुझे लगता है 47.5 तक ही जा सकता है। तो एक बार बाय करके चलिए इस पर्टिकुलर स्टॉक को, एक या दो दिन के पर्पज़ से बाय करेंगे तो मुझे लगता है कि 47 तक के टारगेट्स ही अचीव कर सकता है। हेवल्स भी बहुत गिर चुका है हम देख रहे हैं, तो एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। मैं आपको अभी इसमें बाय की सलाह नहीं दे रहा, पर अभी एक शॉर्ट कवरिंग के चलते मुझे लगता है यहाँ से 10 रुपये की मूवमेंट हेवल्स और दे सकता है। 651-657 तक की हम टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, स्टॉप लॉस 639 का आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। हिंदपेट्रो बाय करने की सलाह दी जाएगी आपको, मैं हिंदपेट्रो बाय करने की सलाह दे रहा हूँ 267-271, ये दो टारगेट है, बाय करके चलिए। स्टॉप लॉस 258 का मेंटेन करना है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको बता रहा हूँ मैं, मेंटेन करके चलिए। 263.5 इसका करंट मार्केट प्राइस है। निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट में चलते हैं, ज़्यादातर जो मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ें एक्सप्लेन करनी थी वो मैं आपको कर चुका हूँ, अपने प्रीवियस वीडियो पे जाके देख सकते हैं। इस पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और बताना चाहूँगा तो इसको ज़रूर देखिएगा। तो गाइज मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर दिया है, निफ्टी के चार्ट पे सिर्फ मैं फिबोनाची और एक दो ट्रेंड लाइन सपोर्ट के लिए बना रहा हूँ, और हम देखेंगे किस तरीके से काम होगा। ठीक है गाइज, मैं इसे जूम आउट कर देता हूँ और आप देखिएगा, मैंने पहली फिबोनाची ड्रॉ करी है कहाँ से, 10,000 के लेवल से, जो कि इसने हमने बनाया था 2018 के अक्टूबर में इसने बनाया था, वरना हम कह सकते हैं नवंबर स्टार्टिंग में इसने 10,000 का लेवल छुआ था 2018 में, और वहाँ से हमने देखा था कि 10,000 से 12,000 तक की हमने उछाल देखी थी, 12,100 तक की। अब हम यहाँ से एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, तो एक हम कहते हैं कि 61.38% रिट्रेसमेंट, 50% रिट्रेसमेंट और 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल। गाइज ये तीन जो रिट्रेसमेंट लेवल है आपको पता है कि ये कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं आपको अपनी कितनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि ये जो तीन ये जो परसेंटेज होती है ये कितनी रिट्रेसमेंट इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। सो गाइज आप नोट करिए, देखिए आप देख सकते हैं कि अभी ये जो निफ्टी है ये निफ्टी ने 50% के रिट्रेसमेंट लेवल को तोड़ दिया, यानी कि 10,000 से लेके 12,100 की जो हमने देखी थी एक उछाल देखी थी उसका 50% का जो हमने देखा था करेक्शन आया, उस करेक्शन को भी तोड़ के नीचे चला गया। सो अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि 11,050 का लेवल जैसी इसने तोड़ा, उसके नीचे क्लोजिंग दे दी, एक या दो दिन उसके नीचे क्लोजिंग दे दी, तो उसका नेक्स्ट टारगेट क्या है, 61.8% का रिट्रेसमेंट लेवल, जो कि है 10,800 का लेवल। मैंने आपको अभी अपनी खुद की इसी वीडियो में बताया शुरुआत में, 10,800 का लेवल ये छुएगा ही छुएगा, अगर ये 11,050 के नीचे दो या तीन दिन बंद हो जाता है तो आप गाइस देख सकते हैं कि ये जो गोल्डन रिट्रेसमेंट कहला जाता है 61.8% एक ही गोल्डन रिट्रेसमेंट होता है, यहाँ तक कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक होता है वो सपोर्ट ले ही लेता है और वहाँ से बाउंस कर जाता है। पर अगर बाय चांस ये इसके नीचे हफ्ता बंद हो जाता है, चाहे इसके हल्का सा नीचे ही बंद हो, पर अगर 61 गोल्डन रेशियो के नीचे हल्का सा भी बंद एक हफ्ता बंद हो जाता है तो वहाँ से डीप करेक्शन देखने की हम बात कर सकते हैं, और डीप करेक्शन का मतलब ये है कि ये अपने दोबारा लो तक जा सकता है या इसको भी तोड़ सकता है। आप स्टॉक्स पे जाके रिसर्च करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर स्टॉक्स ने 61% रिट्रेसमेंट लेवल तोड़ा है तो अपने प्रीवियस लो को भी तोड़ के नीचे जा चुके हैं। निफ्टी एक बहुत बड़ा काउंटर है तो मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा करेगा, 61% पे मुझे लगता है कि सपोर्ट मिल सकता है 10,800 के लेवल पे। तो गाइस अगर ये 10,000 के लेवल 11,050 के नीचे सस्टेन करता है तो 10,800 का लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गाइस अब आप देख सकते हैं मैंने दो लाइन बनाई हुई है, यहाँ पर एक बार इसने सपोर्ट ले चुका है, यहाँ पर एक बार सपोर्ट ले चुका है, तीसरी बार सपोर्ट ले चुका है, और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी इसने सपोर्ट लिया था। आप देख सकते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने 100 पॉइंट की उछाल देखी थी, शॉर्ट कवरिंग देखी थी, वहीं पर इसने देखा कि एक बार हमने देखा कि रेजिस्टेंस फेस करा जो इसका प्रीवियस लो था। मैंने आपको अपनी वीडियो में कहा था गाइस कि जैसे ही अगर ये इसको तोड़ेगा और नीचे जाता है तो अगली टाइम ये जो इसका सपोर्ट था वो इसका रेजिस्टेंस बन जाएगा और वहाँ से हम एक करेक्शन अच्छा खासा देख सकते हैं, और गाइस वो ही हुआ। अगर आप मेरी वीडियो देखते तो आप अच्छा खासा पैसा निफ्टी बैंक निफ्टी में आज के ट्रेडिंग सेशन में कमा सकते थे। मैंने एक दूसरी ट्रेंड लाइन भी बनाई हुई है, आप देख सकते हैं
ये मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बार इसने सपोर्ट देखने को मिला, एक बार यहाँ सपोर्ट देखने को मिला, तीसरी बार, चौथी बार, और अब हम देख रहे हैं कि एक यहाँ पर भी सपोर्ट ले चुका। हमने देखा कि यहाँ से नीचे तो गया पर इसके ऊपर जाने में एक कामयाब दे दिया, क्लोजिंग देने में कामयाब कर चुका है ये। 10,970 के नीचे अगर ये कल मार्केट में दोबारा जाता है निफ्टी, तो 10,800 का लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत बाउंस करेगा गाइस, मैं खुद कह रहा हूँ थोड़ा बहुत बाउंस कर सकता है। कहाँ तक कर सकता है? अपने प्रीवियस जो इसका लो था, जो अब रेजिस्टेंस बन गया है, दोबारा ये 11,150 तक जा सकता है। श्योरिटी नहीं दे रहा मैं गाइस 11,150 जाने की, पर मैं श्योरिटी दे रहा हूँ कि 10,800 जरूर छुएगा। तो आप दोनों में ऑप्शंस में लेके हेजिंग कर सकते हैं कि किस तरीके से आप एक रेंज बना के चल सकते हैं कि 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे लेकर अगर आप स्ट्रैटेजी बनाएंगे अगले जो 8 अगस्त की एक्सपायरी है तब आप पैसा कमा पाएंगे। सिमिलर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सपोर्ट देखने को मिला, ये देख सकते हैं, सॉरी गाइस, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक सपोर्ट देखने को मिला था, उसके बाद जब ऊपर ब्रेक करा तो रेजिस्टेंस फेस करा, फिर रेजिस्टेंस फेस करा, अब यहाँ फिर सपोर्ट फेस करा, जब उसके ऊपर निकलने की कोशिश करा। तो गाइज आप देख सकते हैं कि ये लेवल है जो मुझे लगता है कि यहाँ तक ये बैंक निफ्टी तो आराम से जा सकता है, जो कि 27,800 का लेवल है। हम देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने जो लो बनाया वो लो कहाँ तक बनाया, एग्जैक्ट एग्जैक्ट 50% रिट्रेसमेंट लेवल पे जाके इसने अपना लो बनाया, और वहाँ से हमने एक उछाल देखी, और उछाल देखने के बाद हमने देखा 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर जाके क्लोजिंग कर दिया। अब देख रहे हैं कि मैंने ये भी बनाया है कि नवंबर 2000 अक्टूबर 2000 नवंबर 18 से यहाँ से इसने जो उछाल दी थी वहाँ के 50% तक ये आज इसने टेस्ट करा। पर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो 50% रिट्रेसमेंट लेवल को तोड़ दिया था, और हम 100 पॉइंट ही दूरी था 61 रिट्रेसमेंट लेवल को छूने के लिए। पर गाइस अगर ये 50% के रिट्रेसमेंट लेवल को तोड़ के नीचे चले जाता है, क्लोजिंग दे देता है, तो ये सीधा गाइस 27,000 के लेवल तक चले जाएगा, 27,000 के लेवल तक, और ये मार्केट के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। जिस तरीके से हमने देखा था फेड रेट कट आया जो हम देखे वो भी अनुमान से अच्छा नहीं था, मार्केट को अच्छा नहीं लगा। हमने देखा था कि मार्केट यूएस की मार्केट ने भी एक 350 पॉइंट की गिरावट दिखा दी थी डाउ ने। तो गाइस हल्के हल्के करके अगर हमारी मार्केट ने जो फेड हमारी जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है 7 तारीख को अगर उसमें कोई अच्छी चीज़ नहीं आती है रियल स्टेट के ऊपर या कमेंट्री अच्छी नहीं आती है तो गाइस हमारी मार्केट 27,000 के लेवल को बैंक निफ्टी भी छू सकती है। और गाइस 2014 में जो 36,000 का लेवल सेंसेक्स ने नहीं तोड़ा था वो आज इसने तोड़ दिया है, और आप देख सकते हैं कि कितनी तेज़ी से मार्केट अपने एक लोअर लेवल की तरफ जा रही है। बहुत कॉशियसली ट्रेड करिए गाइस, आराम से ट्रेड करिए तभी पैसा कमा पाएंगे, और ध्यान से ट्रेड करिए। इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहूँगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए वीडियो कैसे लगी हो, क्या क्या मैं आपके लिए वीडियोज़ में और ला सकता हूँ, क्या क्या नहीं आपके लिए वीडियोज़ और बना सकता हूँ मुझे ज़रूर बताइए। सारी इन्फॉर्मेशन मेरे साथ अपने कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर करिए गाइस। दूसरी बात, investing.com पे मैं अपनी रिपोर्ट्स शेयर करता हूँ, मैं अपनी एनालिसिस शेयर करता हूँ, जाके अगर आप investing.com पे स्टॉक मार्केट पे क्लिक करेंगे जो सेक्शन है वहाँ पर जाके अगर आप क्लिक करेंगे स्टॉक्स पे, तो स्टॉक्स पे अगर आप एनालिसिस पे जाएंगे तो आप मेरे नाम से मेरी रिपोर्ट्स देख सकते हैं, मैंने कुछ रिपोर्ट्स डाली है आप वो जाके भी पढ़ सकते हैं। सो गाइस इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए जाके अगर आपको अच्छा खासा इंट्राडे पे भी मार्केट के बारे में समझना है और पैसा कमाना है तो।